सो पिछले वीडियो में देखा था दोस्तों हमने कि आखिर पर्यावरणीय प्रदूषण है क्या। मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि अगर 500 वर्ड के क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है तो हम किस तरह से स्टार्ट करें, उसी का ये अगला हिस्सा है। तो इन सारे वीडियोस को जो मैं अब इस भाग के अलावा एक और भाग डालूंगा, तीनों वीडियोस को एक साथ जोड़ के देखेगा आपका 500 वर्ड वाला क्वेश्चन यानी कि सेक्शन सी में किस तरह से क्वेश्चन लिखना वो भी आपको समझ में आएगा, और कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी हमारे इन तीन वीडियोज़ में कवर होने वाले हैं। अगर ये कंटेंट आपको थोड़ा हिंदी में समझ में दिक्कत हो रही है, अगर आप इंग्लिश में लिखते हैं तो चिंता बिल्कुल मत करिए, यही कंटेंट मैं अभी आपको इंग्लिश में भी शेयर करता हूँ। तो अभी देखेंगे कि प्रदूषण के प्रकार क्या। अगर मुख्य रूप से बात करें दोस्तों तो प्रदूषण जो है यानी कि पर्यावरणीय प्रदूषण, उसको हम कुल निम्नलिखित प्रमुख प्रकारों में बांट सकते हैं। पहला प्रकार होता है जिसे हम सब जानते हैं वायु प्रदूषण, जिसे हम लोग एयर पॉल्यूशन कहते हैं। दूसरा होता है जल प्रदूषण, जिसे वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। तीसरा होता है ध्वनि, जिसे कि साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। इसके अलावा प्रमुख प्रदूषण प्रकारों में मृदा प्रदूषण यानी कि जो मिट्टी है, मृदा है, भूमि है, उसका भी प्रदूषण आता है। इसके अलावा तापीय प्रदूषण, जिसे थर्मल पॉल्यूशन कहते हैं, और इसके अलावा विकिरण प्रदूषण, जिसे कि हम लोग रेडिएशन पॉल्यूशन भी कहते हैं, न्यूक्लियर हैजार्ड भी कह सकते हैं, न्यूक्लियर पॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो आइए इनको एक एक करके ठीक से व्यवस्थित तरीके से समझें। अब यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे वायु प्रदूषण। तो मानव को प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार मिला। देखिए, मानव को प्रकृति द्वारा बहुत सारे संसाधन मिले और ये भी निःशुल्क मिले। तो यहाँ पर हम लोग अभी कवर करने वाले हैं पर्यावरण प्रदूषण को। तो मानव को प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क उपहार मिला है और वह है वायु। तो वायु मनुष्य को बिना किसी पैसे के, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी मेहनत के प्रकृति का एक अमोल उपहार है। यह उपहार सभी जीवों का आधार भी है। मानव बिना भोजन एवं बिना जल के तो कुछ समय तक भले ही रह सकता है, लेकिन बिना वायु के वह 10 मिनट भी जीवित नहीं रह सकता। जी हाँ दोस्तों, इस लाइन से, इस बात से, इस चीज़ से आपको इस बात का समझ में आ ही रहा होगा कि वायु यानी कि जो सांस लेने योग्य वायु है उसका, यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो यह अत्यंत ही चिंता का विषय है कि प्रकृति पर जो उपलब्ध वायु है, जीवनदायिनी वायु है, लगातार जहरीली होती जा रही है। शहरों की जो असीमित विस्तार है, बढ़ती जनसंख्या है, बढ़ता औद्योगिकरण की जो प्रक्रिया है, परिवहनों के साधनों में लगातार वृद्धि हो रही है, तथा इन सारे माध्यमों से लगातार देखेंगे आप कि ढेर सारा जहरीला गैस जो कि सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, इसके अलावा मिथेन, इस तरह के बहुत सारे आप देखेंगे कि जो जहरीले गैसें हैं वो वातावरण में आ रही हैं। इसमें कहीं ना कहीं हमारे जो विलासितापूर्ण संसाधन घरों में इस्तेमाल करते हैं उनका भी गहरा उपयोग है, जैसे कि एयर कंडीशनर, तो रेफ्रिजरेटर, ये भी कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के लिए गहरे रूप से, महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार है। तो वायु प्रदूषण औद्योगिक गतिविधियों और घरेलू गतिविधियों के फलस्वरूप होता है। ताप संयंत्र, जिसे न्यूक्लियर रेडिएशन बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं हम लोग, तो जीवाश्म ईंधन के निरंतर बढ़ते प्रयोग यानी कि जो हम लोग फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, उद्योग धंधों, यातायात, खनन कार्य, भवन निर्माण के कार्य और पत्थरों की लगातार कटाई खुदाई के कारण जो है गंभीर रूप से वायु प्रदूषण होता है। साथ ही साथ बहुत सारे प्राकृतिक कारण भी होते हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं आपकी जो आपके ज्वालामुखी का विस्फोट हो, आंधी तूफान के कारण ढेर सारे मिट्टी वायु में आ जाती है, बहुत सारी गंदगी वायु में आ जाती है, तो ये भी कई कारण है। वायु प्रदूषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि वायु में किसी भी प्रकार की हानिकारक ठोस, तरल या गैस का, जिसका जिसमें ध्वनि या रेडियोधर्मी विकिरण भी शामिल है, इतनी मात्रा मिल जाना जो कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मानव और अन्य जीवनधारियों को हानिकारक रूप से प्रभावित करते हैं। इनके कारण पौधे, मनुष्य, जीवित और अजीवित तत्वों को गंभीर रूप से नुकसान पहुँचता है। ये सारी चीज़ें उनके पर्यावरणीय व स्वाभाविक रूप से जीवन और जीवित रहने की स्थिति को प्रभावित करते हैं, तो इस स्थिति को हम लोग जो है वायु प्रदूषण कहते हैं। तो आप इसको इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। वायु प्रदूषण के कुछ मुख्य प्रकार हैं दोस्तों, तो वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए, वायु प्रदूषण के जो प्रमुख प्रकार है उसमें हम समझेंगे कि निलंबित कणिकीय द्रव, निकले हुए ठोस कण, और दूसरे गैस रूपी प्रदूषक जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यहाँ पे सल्फर नहीं लिखा, आप सल्फर भी लिख सकते हैं, आप मीथेन को भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कि जलवाष्प भी होता है, वो भी वायु प्रदूषण का एक मुख्य कारक होता है वायु प्रदूषण के कारण। लेकिन जलवाष्प इतना गंभीर रूप से नुकसान नहीं पहुँचाता, लेकिन जैसे सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह के जो जहरीले गैसें हैं वो बहुत ही नुकसान पहुंचाते हैं। तो पहले हम लोग कण रूपी जो पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट है, जिनमें कण होते हैं, कण होने के कारण जो वायु प्रदूषण होता है उसको यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए दोस्तों,
कण रूपी प्रदूषक को यहाँ पर हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो औद्योगिक चिमनियों से निकलने वाली धूल और कालिक व कणिकीय द्रव होती है जो वायु में निलंबित होती है, यानी कि जो फैक्ट्रीज वगैरह में जो प्रदूषण होता है ना, जब कोयला वगैरह जलता है, ईंधन जलता है, तो उसमें कण के फॉर्म में भी जो है बहुत सारा प्रदूषक तत्व जो है वातावरण में आ जाता है। ये जो कण होते हैं जो कोयले के जलने की वजह से, ईंधन के जलने की वजह से, उन कणों का आकार बहुत ही छोटा होता है और ये 0.001 से लेकर 500 माइक्रोमीटर तक होते हैं। 10 माइक्रोमीटर से कम आकार के कण हवा के में तरंगों के साथ बहते, यानी कि हवा के साथ हवा में ये तैरते रहते हैं, जिस कारण जो कण 10 मिलीमीटर से बड़े होते हैं वो तो थोड़े भारी होने के कारण नीचे आ जाते हैं, लेकिन जो कण 0.02 मिलीमीटर से छोटे होते हैं उनसे वायोलेस एरोसोल्स, जो हमने आपने पढ़ा होगा ना एरोसोल्स, हवा में वो घूमते रहते हैं, तैरते रहते, तो एरोसोल्स उनसे बनते हैं। तो याद रखिएगा, हवा में तैरने के कारण SPM का मुख्य स्रोत, जैसे कि हवा में जो कण घूमते रहते हैं, तैरते रहते हैं, उसके बहुत सारे प्रमुख स्रोत हैं, जिसमें कि गाड़ियों से निकलने वाला ईंधन, पावर प्लांट में जलने वाला ईंधन, गाड़ियों में जो धुआं निकलता है वो, ताप संयंत्रों में जो धुआं निकलता है वहाँ पर, निर्माण कार्य के दौरान बहुत सारे जो बारीक कण निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है आपके कण रूपी प्रदूषक के रूप में ही कार्य करते हैं। रेलवे यार्ड, बाजार, फैक्ट्री आदि में जो भी गतिविधियाँ होती हैं वहाँ पर भी जो आप कण रूपी प्रदूषक देख सकते हैं, कण रूपी प्रदूषक वहाँ पर ही उत्पन्न होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हवा में उड़ते हुए राख, अब देखिए इसके प्रमुख प्रकार और कहाँ कहाँ से मिलता वो देखेंगे। जो हवा में उड़ रही है राख, फ्लाई ऐश जिसे हम लोग बोलते हैं, थर्मल पावर प्लांट, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे हवा में उड़ते हुए राख ये भी जो है कणीय प्रदूषक का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पर तो थर्मल पावर प्लांट में कोयले के जलने की प्रक्रिया में राख उत्पाद होता है, जिससे कि जो छोटे छोटे कण होते हैं वो भी वातावरण में आते हैं। यह राख वायु और जल दोनों को ही प्रदूषित करती है। जल स्रोतों में भारी धातु प्रदूषण का कारण भी, मतलब जो हेवी मेटल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं, यह राख वनस्पतियों को तो प्रभावित करती है क्योंकि यह पत्तियां और मिट्टी को पूरी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जम जाती है। आप देख रहे होंगे जो कण होते हैं फैक्ट्री से, आपने देखा फैक्ट्रियों के आसपास के जो भी पेड़ पौधे होते हैं या घर भी होते हैं वो देखते हैं आप धूल से ढके रहते हैं। तो इसी यही कारण है कि ये जो पावर प्लांट थी जिनको हम फ्लाई ऐश बोलते हैं, ये जो फ्लाई ऐश हैं जब इस तरह से पेड़ पौधों के ऊपर जम जाती हैं तो धीरे 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 कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाती है। आप देख पा रहे हैं कि एक लंबे समय तक जब हमारे आसपास में कोई इस तरह का पावर प्लांट होता है तो पत्तों पर इतनी मात्रा में जब धूल जम जाती है तो आप सोचिए कि हम प्रतिदिन जब सांस ले रहे हैं तो हमारे अंदर कितनी मात्रा में वो फ्लाई ऐश आ चुका होगा। सीसा और लेड और अन्य धातुओं के कण, जी हाँ दोस्तों, बहुत ही हानिकारक होता है ये। तो टेट्राथाइल लेड यानी कि TL जो गाड़ियों की सरल और सहज गति के लिए पेट्रोल में पराघात के रूप में प्रयोग किया जाता है, गाड़ियों को ठीक से चलाने के लिए, उनकी जो बोल सकते हैं आपकी उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए उसमें पहले TEL लगा मिलाया जाता था जिसके कारण गाड़ियाँ अच्छे से चलती, लेकिन उससे गंभीर रूप से आप देखेंगे कि वायु प्रदूषण भी होता है। गाड़ियों से निकली नलियाँ एग्जॉस्ट पाइप से निकलकर हवा में मिल जाती हैं, यदि श्वास के साथ शरीर में पहुँच जाए ये सीसा टेट्रा थाइल लेड तो गुर्दे और जिगर को प्रभावित करते, लाल रक्त कणों के बनने में भी बाधा पहुंचाते। यदि सीसा पानी और भोजन के साथ मिल जाए तो यह एक तरह का विष बन जाता है और यह बच्चों पर लंबे समय तक, अगर बच्चे इसके संपर्क में हो, इस तरह का उनके अंदर इस तरह के कणों का समावेश होता रहे, कणों से प्रभावित होते रहें, तो उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, उनका विकास कमज़ोर होता है और कहीं ना कहीं उन्हें स्वास्थ्य संबंधी ढेर सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। बुजुर्गों के लिए बहुत हानिकारक है, जो लोग अस्थमा से ग्रसित है उनके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये गंभीर रूप का कारण बनता है। गैसीय प्रदूषक, अब हम देखेंगे जो गैस के फॉर्म में है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को देखेंगे। गैसीय प्रदूषक क्या है? पावर प्लांटों, उद्योग धंधों, विभिन्न गाड़ियों के चलने से, निजी कंपनियों के चलने, व्यावसायिक कार्य से, कृषि कार्य से, औद्योग धंधों के कार्य से, घर में भवन निर्माण के कार्य से, पेट्रोल डीजल के बनने के कारण से जो गैसीय प्रदूषक उत्पन्न होते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आप यहाँ पे देखेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, कण रूप से द्रव के साथ, धुएं के साथ हवा में पहुँच जाते हैं और ये सभी मनुष्य और वनस्पतियों पर हानिकारक प्रभाव करते हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपके लिए गंभीर गैसीय प्रदूषक का काम करते हैं। तो इस तरह से आपको वायु प्रदूषण को एक्सप्लेन करना है दोस्तों। आइए अब समझते हैं जल प्रदूषण को। जी हाँ दोस्तों, वाटर पॉल्यूशन के यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि वाटर पॉल्यूशन क्या, देखिए जल प्रदूषण क्या। जल में ठोस कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, रेडियो एक्टिव तत्व, उद्योगों का कचरा एवं सीवेज से निकला हुआ पानी मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है। जल में
अनिश्चित व अवांछनीय पदार्थों को मिला होना या पाया जाना ही जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण का एक सबसे गंभीर पर्यावरण जल प्रदूषण जो है सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रदूषणों में से एक है। जल प्रदूषण मानव के अनेक गतिविधियों के कारण होता है, जैसे कि औद्योगिक कृषि कार्य, घरेलू कार्य, कृषि का कूड़ा कचरा, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक जो मिले हुए होते हैं वो बरसात के जल के कारण या कृषि जल के कारण जमीन में धीरे धीरे पहुंचते चले जाते हैं, मिट्टी के साथ धीरे धीरे मिलते चले जाते हैं। औद्योगिक बहिर्वास के कारण विषैले पदार्थों का मिलना, मानव और जानवरों के निष्कासित मल सभी जल प्रदूषण का प्रमुख कारण है। जल प्रदूषण के प्राकृतिक कारणों में मृदा अपरदन, चट्टानों से खनिजों का रिसाव, जैव पदार्थों का सड़ना निहित है। नदियों, झरने, सागर, समुद्र, ज्वर, नदमुख, भूमिगत जल स्रोतों में भी बिंदु और गैर बिंदु स्रोतों के कारण जो है आपके प्रदूषण होता है। जब प्रदूषक किसी निश्चित स्थल से नाली और पाइपों के द्वारा पानी में गिरता है तो वह बिंदु स्रोत पॉइंट कहलाता है। तो स्रोत पॉइंट समझना कि कहाँ से मिलता है, तो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कहलाता है, जिसे स्रोत पॉइंट भी कहते हैं। निश्चित स्थान जैसे कि फैक्ट्री, पावर प्लांट, सीवियर ट्रीटमेंट प्लांट हो सकते हैं। इसके विपरीत गैर बिंदु नॉन पॉइंट सोर्स में प्रदूषक बड़े और विस्तृत आकार के होते हैं, जैसे कि खेतों, चारागाहों, निर्माण स्थल, भवन निर्माण स्थल, गाड़ी पड़ी खदानों, मतलब जो खदान जहाँ पे पहले भूमिगत या फिर आपके ओपन माइन हुआ है वहाँ से भी आपको ढेर सारा गड्ढा, सड़कों में जमी हुए पानी से भी बहकर आने वाला कूड़ा, गंदा पानी, हानिकारक जल, ये सभी कहीं ना कहीं जलीय प्रदूषण के कारण बनते हैं। आइए अब देखते हैं कि जल प्रदूषण के प्रमुख सोर्स क्या है, स्रोत क्या है। प्रदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का मुख्य स्रोत जल प्रदूषण ही होता है। खेतों से बहकर, यहाँ पे ध्यान देंगे, खेतों से बहकर आने वाले पानी तलछट और अनुपचारित या आंशिक रूप से उपचारित सीवेज का निष्कासन और औद्योगिक कचरा जैसे कि ठोस कचरा या धूल का निष्कासन जल स्रोतों के अंदर या उनके आसपास के इलाकों में मौजूद होने के कारण गंभीर रूप से जल को प्रदूषित करता है। पानी की पारदर्शिता इस गंदगी के कारण कम हो जाती है, जिससे कि पानी के अंदर प्रकाश भी नहीं पहुँच पाता, जिसके कारण प्रकाश की पहुँच कम होने के कारण जलीय पौधों तथा उसके अंदर रहने वाले जो जीवी होते हैं, जलीय पौधे प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाते और पानी के अंदर रहने वाले जो जीवित प्राणी हैं जैसे कि मछलियाँ, छोटे छोटे जीव, उनका भी जीवन जो है खतरे में आ जाता है। अब देखेंगे कीटनाशक और अकार्बनिक रसायनों के कारण प्रदूषण कैसे होता है। देखिए, खेत में प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक जैसे कि DTT, अन्य पदार्थों का उपयोग आदि से जल निकाय प्रदूषित होता है। जलीय जीव पानी से उन कीटनाशकों को लेकर, यानी कि जब वो पानी पीते हैं, ग्रहण करते हैं, तो उन कीटनाशकों से प्रभावित होकर उनकी खाद्य श्रृंखला जो है गंभीर रूप से प्रभावित होती है, गंभीर रूप से जो है उनको नुकसान पहुंचता है। इस विष में जलीय और उच्च पोषण स्तर में एकत्रित सांद्रित होकर यह प्रदूषण खाद्य श्रृंखला के अंतिम छोर तक भी पहुँच जाता है। तो पानी में जो बाहर से जो आपके केमिकल्स आ रहे हैं, चाहे वो खेत में उर्वरक के इस्तेमाल से, फैक्ट्री में इस्तेमाल से, फैक्ट्री के कूड़े कचरे के कारण वहाँ से जो जल में घुलकर पानी जो है आपके पानी में पहुँच रहा है, जहाँ से कि पूरा जो फूड सिस्टम होता है, एक्वेटिक सिस्टम होता है, जलीय आप समझेंगे कि वहाँ खाद्य श्रृंखला होती है, वो प्रभाव होती है। और कहीं नहीं कि जलीय खाद्य श्रृंखला से मछली खाने की वजह से पानी में उत्पन्न वाले वाले बहुत सारे वनस्पति जो हम ग्रहण करते हैं हमारी भी खाद्य श्रृंखला में आ जाती है। सीसा, जिंक, आर्सेनिक, तांबा, पारा, कैडमियम, ये सभी धातुएं फैक्ट्री से निकले औद्योगिक जल में मिले रहते हैं, जिनका मनुष्य और अन्य पशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा बहुत ज़्यादा गंभीर है और ये भूमिगत आर्सेनिक प्रदूषण का प्रमुख स्रोत है। आर्सेनिक से प्रदूषित जल वाले कुएं का पानी प्रयोग करने पर गंभीर रोग जैसे कि गंभीर रोग होते हैं जैसे कि अंग, रक्त, नाखून और बालों में आर्सेनिक पदार्थ जमे होने के कारण, यहाँ पे देखेंगे, अनेक चर्म रोग जैसे कि शुष्क त्वचा, ढीली त्वचा, त्वचा विकृत होना या कि चर्म रोग, कैंसर जैसी बीमारियाँ भी आपको हो सकती हैं। जल संकाय यानी कि जल का प्रदूषण पारे मरकरी से होने पर मनुष्य में मिनीमाटा रोग जैसा और मछलियों में ड्राफ्टी रोग होने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। जस्ते के कारण डिसप्लेक्सिया हो जाती है और कैडमियम का जहर इताई रोग का भी कारण, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, इस पॉइंट को आप जरूर यहाँ पर नोट करिएगा, इताई का भी कारण यही बनता है। समुद्र जल में, यहाँ पे देखेंगे, समुद्र जल में तेल के रिसाव के कारण पानी के जहाज़ों में
तेल के टैंकरों में और अन्य उपकरणों के पाइपलाइनों के कारण जो जल का रिसाव होता है समुद्र में, तेल का रिसाव, तेल के टैंकरों के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण भी भारी मात्रा में जो है तेल का रिसाव हो जाता है और समुद्र तल पर यह फैल जाता है, जिससे कि समुद्री पक्षियों की मृत्यु होती है, समुद्री जीवों और तटों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खासतौर पर जो कोरल रीफ्स हैं, आपने जो कवक जिसे बोलते हैं, तो कोरल रीफ जो ऑस्ट्रेलिया एशिया में भी बहुत जगह देखने को मिलता है, तटीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से देखने को मिलता है, आपके इंडिया में भी अंडमान और आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी में जो कवक होते हैं, ये भी प्रतिकूल रूप से जब पेट्रोल डीजल वगैरह जो है समुद्र के जल में मिक्सित हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो गंभीर बीमारियों का कारण जलीय पशुओं और जलीय जीवों के लिए गंभीर बीमारी और हानिकारक रूप से कार्य करते हैं। भूमिगत जल का प्रदूषण, देखिए ये सारे वीडियोस में आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आप इसको अपने अनुसार लिख सकते हैं। संपूर्ण विश्व में बहुत सारे लोग हैं जो पीने, घरेलू काम और औद्योगिक कार्य के लिए कृषि में पानी का उपयोग करते हैं। प्रायः भूजल शुद्ध जल स्रोत होता है, लेकिन फिर भी अनेक मानव गतिविधियाँ जैसे कि सीवेज का अनुचित उपयोग, कहीं भी कूड़ा कचरा डाल देना, खेत में अत्यधिक उर्वरक के इस्तेमाल, कृषि रसायनों का ढेर सारा उपयोग और कहीं ना कहीं औद्योगिक कूड़े और औद्योगिक जो रसायन युक्त जल होता है उसे हम कहीं ना कहीं मिट्टी में यूं ही छोड़ देते हैं, नदियों में यूं ही छोड़ देते हैं, जो कि कहीं ना कहीं रिस कर जमीन में भूमिगत जल के साथ मिश्रित होता, मिक्स होता और भूमिगत जल को भी वो प्रभावित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों यहाँ पर, यूट्रोफिकेशन। जी हाँ दोस्तों, देखेंगे यूट्रोफिकेशन सुपोषण क्या है, तो इसको भी यहां पर समझते हैं, यूट्रोफिकेशन क्या है, सुपोषण क्या है, एक मिनट। यूट्रोफिकेशन सुपोषण, यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका हो सकता है, तो इसे प्लीज यहां पर देख लेते हैं। देखिए, घरेलू कूड़ा करकट का विसर्जन, खेत के बचे अंश, भूसरा और औद्योगिक कचरा जब जल निकाय में मिलता है तो जल निकाय में बड़ी मात्रा में तीव्रता से पोषक तत्वों की वृद्धि होती है। जल निकायों में अधिक पोषक समृद्ध होने के कारण डकवीट, वाटर हाइसिंथ जिनको जलकुंभी कहते हैं, फाइकोप्लैंक्टन, पादप प्लॉक और दूसरे जलीय वनस्पति जैसे कि जलीय जीवों की वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण जल में घुले हुए ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है जिसे कि हम बायोलॉजिकल डिमांड फॉर ऑक्सीजन BOD कहते हैं, वो बढ़ जाती है, जिसके कारण वनस्पति जब बढ़ने लगते हैं तो जल में जो पहले से मौजूद वनस्पति और मछलियाँ या जीव हैं उनको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलता और उनका जीवन खतरे में आ जाता है। यहाँ तक कि मरे हुए सड़े गले पौधे और जैविक पदार्थ से भी पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, जिसके कारण बड़ी संख्या में आबादी का नाश होता है, यानी कि जलीय आबादी का नाश होता है और मछलियाँ तथा अन्य जलीय जीवों की आबादी में वृद्धि होती है। पौधों के मरने और सड़ने के से या गलने से एक अप्रिय गंध पैदा होती और वह जल मनुष्य के प्रयोग नहीं रह जाता। पादप पलवकों, शैवालों में बहुत अधिक और अचानक वृद्धि होने से पानी का रंग गहरा हरा हो जाता है, जिसे वाटर ब्लूम भी कहते हैं, इस पॉइंट को याद रखिएगा, एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, क्योंकि जो हरे रंग का कवक होता है, माफ करिएगा, हरे रंग का कवक, जी हाँ दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि वाटर ब्लूम मतलब कि बहुत सारे जो आपके हरे रंग के कवक होते हैं उसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण मछलियों को, जल में रहने वाले जीवों को, जल में उत्पन्न वनस्पति को, साथ ही साथ इस जल के आसपास रहने वाली जो मनुष्य की आबादी है उसको भी गंभीर रूप से नुकसान पहुंचता है। तो इस बात का हमें पूरा ख्याल रखना है कि यूट्रोफिकेशन एक गंभीर समस्या है, जल से संबंधित जल प्रदूषण का एक गंभीर प्रभाव है। आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जल प्रदूषण को आखिर नियंत्रित कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने की विधियां और जल प्रदूषण का पुनर्चक्रण, तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वाटर साइकिल देखेंगे यहाँ पर। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के तरीके, जल प्रदूषण, घरेलू और उद्योग से बहाया जाने वाला बेकार और गंदा और हानिकारक पानी या कूड़े के ढेरों में गंदे पानी को सीवेज मल कहा जाता है। इसमें वर्षा का पानी या सतह से बाहर आकर आने वाले जल को भी हम शामिल कर सकते हैं। इस जल को उपचारित, ट्रीटमेंट करने के लिए दो अवस्थाएं होती हैं, यानी कि जल प्रदूषण को रोकने के लिए हम इस तरह से दो काम करते हैं, प्रारंभिक उपचार तथा द्वितीयक सेकेंडरी उपचार। इसके अंतर्गत कुछ प्रमुख क्रियाएं जैसे कि तलछट, सेडिमेंटेशन, हम क्या कर सकते हैं, कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं जैसे कि जो फैक्ट्रीज का जल है, घर का जो प्रदूषित जल है उसे हम ठीक कर सकते हैं। पहली प्रक्रिया जिसे हम बोलते हैं तलछट, सेडिमेंटेशन, जमाव, गुच्छा ऐसा बनना, निथारण, छानना, विसंकरण और हल्का बनाना, आइए इनको एक एक करके ठीक से समझने का प्रयास करते हैं। और गैसों का मिश्रण, ये बहुत प्रमुख तरीके हैं, ये सब कुछ प्रमुख तरीके हैं जिसके माध्यम से आप जो है गंदा और प्रदूषित जल को आप ठीक कर सकते हैं, उपयोग योग्य बना सकते हैं।
प्रथम चरण में हम प्राथमिक उपचार कर दे। प्राथमिक उपचार में निहित तीन बातें हमको करना है। तैरने वाले कणीय पदार्थों को दूर करते, तो पहले प्रारंभिक तत्व में हम क्या करते हैं कि जो भारी और गंभीर तत्व हैं उनको, यानी कि जिनका वजन थोड़ा ज़्यादा है, जो पानी के ऊपरी सतह पर, जिनका वजन कम है और जो पानी के ऊपरी सतह पर तैर रहे, उनको हटाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, प्राथमिक उपचार में हम क्या करते हैं, जो छोटे छोटे कण जो ऊपर तैर रहे होते पानी की सतह पर, उनको दूर करना है। द्वितीय उपचार के अंतर्गत उन जैव पदार्थों को हटाया जाता है जो प्राथमिक उपचार के बाद भी सूक्ष्म जीवी विघटन से बच गए, यानी कि प्राथमिक उपचार के बाद भी अगर जल में कुछ प्रदूषक रह गए हैं, जो प्रदूषक रह जाते हैं उनको हटाने का काम जो है द्वितीय यानी कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट से होता है। तो द्वितीय उपचार के बाद निकलने वाले साफ जल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें भारी मात्रा में फिर भी नाइट्रोजन, अमोनिया और नाइट्रेट और फॉस्फोरस मिला होता है, जो फिर भी अभी जो कि अभी इस्तेमाल योग्य नहीं होता। तो अगर इसे अभी इस्तेमाल कर लिया जाए सेकेंडरी ट्रीटमेंट के बाद, तो भी ये हमारे जो जलाशय होते हैं, जो पानी के स्रोत होते हैं, उनको गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, अमोनिया, इस तरह के गंभीर जो तत्व होते हैं वो मिले होते हैं और वो यूट्रिफिकेशन की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं। माफ करिएगा दोस्तों, थोड़ी तबीयत खराब है। सो पोषक तत्वों को समाप्त करने के लिए ये सब चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। बहुत सारे रोगजनक बैक्टीरिया को संक्रमण से हटाया जाता है। एरिएशन यानी कि गैसों को मिलाकर हाइड्रोजन सल्फर सल्फाइड दूर कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम किया जा सकता है और तब वह जलीय जीवों और वनस्पतियों को उपयोग करने योग्य बन जाता है। सीवेज या गंदे पानी को कुछ इस प्रकार से उपचारित या ट्रीट किया जाना चाहिए, जिससे कि इनके लिए हम ट्रीटमेंट प्लांट लगा सकते हैं, जिससे कि वो पानी इस्तेमाल करने योग्य बन जाए और पीने योग्य भी बन जाए। तो प्राथमिक उपचार के बाद जो शेष बचता है उसे गाद या स्लेज कहते हैं और उसे हम सही प्रकार से निष्कासित कर सकते हैं, उसका हम लोग सही प्रकार से डिस्पोजिशन कर सकते हैं। जल पुनर्चक्रण, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाटर रिसाइकलिंग। तो आइए इसको भी समझ लेते हैं कि वाटर रिसाइकलिंग क्या है। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ दिन प्रतिदिन जल की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ रही, परंतु जल की उपलब्धता तो सीमित है, लेकिन जल स्रोतों जैसे कि नदियों, झरनों और भूमिगत जल से निरंतर तीव्र गति से पानी निकालने से इस पानी में अभी कमी हो रही है और पानी की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। अतः यह आवश्यक है कि उपलब्ध पानी का अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। यह तभी संभव हो पाएगा जब जल को व्यर्थ होने से बचाया जाए, जल का पुनर्चक्रण किया जाए। इसके लिए उपचार करना और अनुपचारित जो जल है उसका वापस उपचार करके उपचार करने के बाद इस्तेमाल करना, पुनः इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शामिल है। तो पुनःचक्रित का अर्थ होता है दूसरी जल को उपचार यानी कि शोधन या संयंत्र जल संकाय के माध्यम में डालना और फिर उन्हें ठीक करने के बाद, उनका उपचार करने के बाद इस्तेमाल करना। इस प्रकार दूसरी जल को बार बार पुनःचक्रित करके उपचारित और अनुपचारित रूप से एक ही प्रयोगकर्ता द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो हम यह देख सकते हैं जल प्रदूषण का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। देखिए, निम्नलिखित सावधानी अपनाकर हम जल प्रदूषण का नियंत्रण अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे, अपने तरीके में बदलाव। हम जिस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार की जीवन शैली है, हम जो अपने स्तर पर जल प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है, हम उसको दूर कर सकते हैं। तो अपने स्तर पर हमें कुछ जीने के तरीके में बदलाव करना पड़ेगा, सामाजिक जो रहन सहन उसमें बदलाव करना। उपचारित अनुपचारित किए बिना पानी का पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। तो उपचारित यानी कि जल का जो है बहुत ज़्यादा हम चाहें तो रीयूज़ कर सकते हैं, पानी को बर्बाद होने से हम उसका अगर इस्तेमाल हो सकता है दोबारा कहीं और, तो इस्तेमाल करना चाहिए। जहाँ तक संभव उपचारित जल का पुनर्चक्रण अधिकतम किया जाए और पानी को बेकार होने से, बर्बाद होने से, व्यर्थ होने से बचाना चाहिए। यह और भी कुछ बहुत सारे सुझाव हो सकते हैं जो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखेंगे ध्वनि प्रदूषण और इसके बाद हम लोग और भी महत्वपूर्ण कारकों को यहाँ पर देखते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।